एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर टिश्यूज और कल की क्लास में हमने पढ़ा था पोलन काइमा एंड स्क्लेरल काइमा के बारे में। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एपिडर्मिस एंड स्टोमेटा। बेसिकली जो दोनों हैं दे आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ये किन किन फंक्शंस में प्लांट्स को हेल्प करते हैं वी विल स्टडी इन डिटेल इन दीज टू टॉपिक्स दैट इज एपिडर्मिस एंड स्टोमेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद एपिडर्मिस। बेसिकली एपिडर्मिस होता क्या है या फिर वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस इज प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी लाइक लीव्स फ्रूट्स स्टेम एक्सेट्रा। यानी कि जो एपिडर्मिस है वो प्लांट बॉडी की जो आउटर मोस्ट लेयर्स होती हैं उन पे प्रेजेंट होता है। आप सपोज करो कोई लीफ लेना एंड उसके सर्फेस को आप बैक से टच करके देखना, आपको सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगा एंड दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो जो हमारे लीव्स होते हैं फ्रूट्स होते हैं स्टेम होती है रूट्स होती हैं एक प्लांट की उनका जो आउटर मोस्ट लेयर या जो आउटर मोस्ट सरफेस होता है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। नाउ द एपिडर्मिस इज वन सेल थिक एंड इज कवर्ड विद द क्यूटिकल्स। यानी कि जो एपिडर्मिस होता है वो सिर्फ एक सेल की थिकनेस का होता है। सो व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द एपिडर्मिस? जस्ट वन सेल एंड इज कवर्ड विद द क्यूटिकल्स। यानी कि जो हमारी एपिडर्मिस की लेयर होती है जो एक सेल जितनी थिक है वो किस चीज़ से कवर्ड होती है? विद द क्यूटिकल्स। नाउ बेसिकली अभी क्यूटिकल्स आखिर होते क्या है? क्यूटिकल्स आर द वाटर प्रूफ लेयर ऑफ द वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन। यानी कि आप एक रियो लीफ लेना, देयर इज अ काइंड ऑफ लीफ विच इज कॉल्ड रियो लीफ, आप उसको लेना और बैक साइड पे ना उसके आप पानी डाल के देखना, आप फील करोगे कि वो जो लीफ है वो गीली नहीं होगी बल्कि जो पानी है वो उस पर से फ्लो करके निकल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो लीफ का बैक साइड थी वो वैक्सी या फिर स्लिपरी थी जिसकी वजह से वाटर उस पर फ्लो नहीं किया। तो बेसिकली क्यूटिकल क्या होता है? एक वाटर प्रूफ लेयर होती है वैक्सी सब्सटेंस की और उस वैक्सी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? क्यूटिन। यानी कि एक वैक्सी सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड क्यूटिन उसकी वजह से एक वाटर प्रूफ लेयर बन जाती है एपिडर्मिस के ऊपर विच इज कॉल्ड द क्यूटिकल। और एपिडर्मिस कितना थिक होता है? वन सेल थिक। सो एपिडर्मिस इज प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट लेयर्स ऑफ द प्लांट बॉडी एंड इट इज वन सेल थिक एंड द एपिडर्मिस इज कवर्ड विद द क्यूटिकल्स। और क्यूटिकल्स क्या होते हैं? दे आर द वाटर प्रूफ लेयर्स जिनमें हमारे पास एक वैक्सी सब्सटेंस होता है कॉल्ड क्यूटिन। तो अभी हमने पढ़ा कि क्यूटिकल्स क्या होते हैं। बेसिकली ये एक वाटर प्रूफ लेयर होती है जो हमारे प्लांट्स में जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर एपिडर्मिस को कवर करती है क्यूटिकल की लेयर दैट इज द वाटर प्रूफ लेयर जो किस सब्सटेंस से बनी होती है? एक वैक्सी सब्सटेंस से दैट इज कॉल्ड क्यूटिन। नाउ लेट अस सी द अनदर पॉइंट रिलेटेड टू क्यूटिकल्स। बेसिकली जो क्यूटिकल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस के होते हैं। यानी कि मैंने जैसे बताया एपिडर्मिस वन सेल थिक होता है लेकिन जो क्यूटिकल्स हैं दे डिफर इन देयर थिकनेस फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। यानी कि ऐसा पॉसिबल है कि कुछ प्लांट्स में जो क्यूटिकल की लेयर हो वो काफ़ी थिन हो और कुछ प्लांट्स में क्यूटिकल्स की लेयर काफ़ी थिक हो। नाउ वी आर गिवन विद अ पॉइंट कि बेसिकली जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें क्यूटिकल की जो लेयर होती है दैट इज वेरी थिक। यानी कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं लाइक कैक्टस जो हमारे डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं वहीं पे हम उनको फाउंड कर सकते हैं, उनकी हैबिटेट ही डेजर्ट रीजन होती है। उन प्लांट्स में जो क्यूटिकल की लेयर होती है दैट इज वेरी थिक। अभी ऐसा क्यों होता है कि जो क्यूटिकल की लेयर है वो हमारे डेजर्ट प्लांट्स में काफ़ी थिक क्यों होती है? दैट वी विल स्टडी इन द फंक्शंस ऑफ क्यूटिकल्स एंड एपिडर्मिस। तो अभी जस्ट आप ये समझो कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें क्यूटिकल की जो लेयर्स होती है दैट इज़ वेरी थिक। अब आप अपना दिमाग भी इतने मीनवाइल लगा सकते हो कि आखिर इतनी थिक क्यों होती है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये तो बता ही दूंगी कि
डेजर्ट प्लांट्स में क्यूटिकल्स की लेयर भी थिकी होती है। नाउ लेट अस सी अबाउट द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, यानी कि जो एपिडर्मिस टिश्यू है हमारे पास उसके सेल्स कैसी शेप के होते हैं। सो द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर इलोंगेटेड और फ्लैटेंड, राइट। जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं यानी कि लंबे, और फ्लैटेंड होते हैं यानी कि फ्लैट। दे हैव नो इंट्रा सेलुलर स्पेसिस, यानी कि जो हमारे एपिडर्मिस के सेल्स हैं उनके बीच में, दो सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, यानी कि दे आर डेंसली पैक्ड, देयर इज नो इंट्रा सेलुलर स्पेसिस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर लिविंग सेल्स। हमने जब कल हमने सिंपल टिश्यूज के बारे में पढ़ा था तो मैंने बताया था कि पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा आर लिविंग सेल्स एंड स्क्लेरेन्काइमा हैज डेड सेल्स, बट एपिडर्मिस हैव लिविंग सेल्स। एंड जो एपिडर्मिस सेल्स के इनर कॉन्टेंट्स होते हैं, यानी कि जो एपिडर्मिस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनका अंदर से जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, एज सेम एज ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, राइट। तो जो हमने पैरेन्काइमा सेल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था, इनर स्ट्रक्चर या फिर जो उनका इनर कॉम्पोजिशन पढ़ा था पैरेन्काइमा का, सेम इज दैट ऑफ एपिडर्मिस सेल्स। सो एपिडर्मिस सेल्स क्या होते हैं, इलोंगेटेड और फ्लैटेंड, उनके बीच में इंट्रासेल्युलर स्पेसेस नहीं होते, दे आर लिविंग सेल्स। और जो एपिडर्मिस सेल्स हैं उनका इनर कॉन्टेंट्स कैसे होते हैं, सेम एज दैट ऑफ पैरेन्काइमा। Let us see the two functions of epidermis or more of the cuticles. So basically cuticles या फिर epidermis जो है उनके main functions क्या होते हैं, first is to reduce the water loss, यानी कि जो cuticles है that is a waterproof layer, जिसकी वजह से जो cuticle की layer है वो plant से water को evaporate होने में help करती है या फिर नहीं करती, यानी कि अगर जो हमारी cuticle की layer है that is thin, तो जो हमारा वाटर है वो इजीली इवेपोरेट हो पाएगा फ्रॉम द प्लांट, यानी कि वाटर जो है H2O बट कैन इजीली इवेपोरेट। लेकिन अगर हमारी जो क्यूटिकल की लेयर है दैट इज थिक, तो जो हमारा वाटर है दैट कैन नॉट इवेपोरेट इजीली बिकॉज क्यूटिकल इज अ वाटरप्रूफ लेयर। तो यानी कि जो क्यूटिकल है वो एक वाटरप्रूफ लेयर है जिसकी वजह से वो हमारे प्लांट से वाटर को इवेपोरेट होने में मदद नहीं करता। अगर हमारी क्यूटिकल की लेयर थिन होगी तो वाटर इजीली इवेपोरेट कर पाएगा, लेकिन अगर क्यूटिकल्स की लेयर काफ़ी थिक होगी तो जो हमारे प्लांट से वाटर है वो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। तो अभी जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया था कि डेजर्ट प्लांट्स में क्यूटिकल्स की लेयर थिक क्यों होती है, दैट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न। बेसिकली जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वहाँ पे पानी की शॉर्टेज होती है, प्लांट्स को इतनी जल्दी पानी तो नहीं मिल पाता, तो यानी कि जब भी उन्हें पानी मिलता है तो उसे उन्हें काफ़ी टाइम तक यूज़ करने के लिए स्टोर करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी जो क्यूटिकल की लेयर होती है दैट इज़ वेरी थिक, ताकि जब सन रेस पड़े या फिर जब हॉट हो तो जो प्लांट्स हैं वो इजीली अपना वाटर यूज ना कर दे बाय इवेपोरेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल। तो डेजर्ट प्लांट्स में क्यूटिकल्स की थिक लेयर क्यों प्रेजेंट होती है, टू रिड्यूस द वाटर लॉस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि बेसिकली जो क्यूटिकल लेयर या फिर जो एपिडर्मिस की लेयर होती है वो क्या करती है, इट प्रिवेंट्स द पैथोजेंस एंट्री, यानी कि पैथोजेंस बेसिकली क्या होते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे प्लांट को खा जाते हैं या फिर उसे डैमेज कर देते हैं। तो जो क्यूटिकल और जो एपिडर्मिस की लेयर है वो हमारे प्लांट में उन इंसेक्ट्स को, उन पैथोजेंस को एंट्री नहीं करने देती, एंड इट प्रोटेक्ट्स आवर प्लांट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डैमेज। तो ये हमने पढ़ा एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर मोस्ट लेयर पे। इट इज़ मेड अप ऑफ क्यूटिकल्स, और क्यूटिकल्स क्या होते हैं, वाटर प्रूफ लेयर, सॉरी एपिडर्मिस इज कवर्ड विद क्यूटिकल्स, और जो क्यूटिकल्स है दे आर मेड अप ऑफ क्यूटिन्स, और क्यूटिकल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस के होते हैं डिफरेंट प्लांट्स,
and these are the two functions of epidermis cells. तो अभी हमने पढ़ा एपिडर्मिस के बारे में. नाउ वी विल स्टडी अ टर्म दैट इज रिलेटेड टू एपिडर्मिस ओनली, दैट इज कॉक. बेसिकली जब हमारे प्लांट्स बड़े होते हैं या फिर व्हेन दे ग्रो ओल्डर, तो जो हमारे एपिडर्मिस सेल्स होते हैं उनकी जगह रिप्लेस होके न्यू टाइप ऑफ सेल्स आ जाते हैं, दैट आर कॉल्ड कॉक. यानी कि जो हमारे एपिडर्मिस ऑफ स्टेम होते हैं उनकी जगह क्या आ जाते हैं, कॉक कैम्बियम. राइट, तो बेसिकली जब हमारे प्लांट जो है वो ओल्ड होते हैं, व्हेन दे ग्रो ओल्डर, तो जो हमारे एपिडर्मिस सेल्स होते हैं उनमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस की वजह से दे बिकम कॉक एंड दैट इज कॉल्ड कॉक कैम्बियम. तो यानी कि जब हमारा प्लांट बड़ा होता है या फिर जब वो ओल्ड ग्रो करता है, जब वो बूढ़ा होता है, तो जो हमारे एपिडर्मिस सेल्स होते हैं वो अपने आप में काफ़ी सारे चेंजेस लाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो एपिडर्मिस सेल्स हैं दे बिकम कॉक. तो जो एपिडर्मिस ऑफ स्टेम होता है दैट बिकम्स कॉक कैम्बियम. तो कॉक क्या होता है, जब हमारा प्लांट ओल्ड होता है तो उस टाइम पे जो हमारे एपिडर्मिस सेल्स हैं वो काफ़ी रैपिडली चेंज होते हैं और देन दे बिकम कॉक. यानी कि कॉक क्या होता है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ, या फिर जब हमारे एपिडर्मिस में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं देन दैट बिकम्स कॉक. नाउ लेट अस सी अबाउट कॉक सेल्स. बेसिकली हमने देखा था कि एपिडर्मिस सेल्स जो होते हैं दे आर लिविंग, लेकिन जो कॉक सेल्स होते हैं दे आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. यानी कि जो कॉक सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं और साथ ही साथ उनके बीच में इंट्रासेल्युलर स्पेसेस नहीं होते, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड और दे हैव नो इंट्रासेल्युलर स्पेसेस बिटवीन देम. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द वॉल्स ऑफ द कॉक सेल्स आर हेवीली थिकेंड बाय ऑर्गेनिक सब्सटेंस कॉल्ड सबेरिन डिपॉजिट्स. यानी कि जो हमारे कॉक सेल्स होते हैं बेसिकली दे आर प्लांट्स के अंदर ही आते हैं कॉक सेल्स, तो कॉक सेल्स की भी सेल वॉल होती है. जो कॉक सेल्स की सेल वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस और यू कैन से अ फैटी सब्सटेंस विच इज कॉल्ड सबेरिन डिपॉजिट्स. यानी कि जो हमारे कॉक सेल्स की सेल वॉल होती है वो काफ़ी मोटी होती है, दे आर अ थिक लेयर ऑफ सेल वॉल, क्योंकि उस पर हमारे पास एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर फैटी सब्सटेंस की लेयर होती है विच इज़ कॉल्ड सबेरिन डिपॉजिट्स. अब ये जो सबेरिन डिपॉजिट्स हैं इनका काम क्या होता है, बेसिकली दे मेक द सेल्स इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस. परमिएबल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का ईजी ट्रांसपोर्ट होने देना. जैसे कि जो हमारे सेल मेम्ब्रेन होते हैं दैट इज सेमी परमिएबल, यानी कि वो कुछ ही सब्सटेंसेस को अंदर या बाहर जाने देती है, लेकिन जो हमारा सबेरिन डिपॉजिट्स है वो हमारे कॉक सेल्स की सेल वॉल को क्या बना देता है, इम्परमिएबल. यानी कि वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता वाटर या फिर गैसेस को उसके थ्रू पास होने के लिए. सो कॉक सेल्स बेसिकली क्या होते हैं, दे आर डेड एंड हैव नो इंट्रासेल्युलर स्पेसेस. जो उनकी वॉल्स होती हैं दैट इज कॉक सेल्स की जो सेल वॉल होती है उन पे काफ़ी थिक लेयर होती है एक ऑर्गेनिक या फिर फैटी सब्सटेंस की कॉल्ड सबेरिन डिपॉजिट्स. और ये सबेरिन डिपॉजिट्स क्या काम करते हैं, ये कॉक सेल्स को इम्परमिएबल बना देते हैं टू वाटर एंड गैसेस. लेट अस सी द फंक्शंस ऑफ कॉक. बेसिकली द मेजर फंक्शन ऑफ कॉक इज प्रोटेक्टिव फंक्शन. यानी कि जो कॉक है वो हमारे प्लांट के लिए प्रोटेक्टिव फंक्शन का रोल प्ले करता है, एज इट प्रोटेक्ट्स आर प्लांट फ्रॉम एनी इन्फेक्शन या फिर कोई भी जो पैथोजन या फिर इंसेक्ट वगैरह हमारे प्लांट को डैमेज करना चाहता है उससे कौन प्रोटेक्ट करता है, कॉक और द लॉस ऑफ H2O, दैट इज लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन. नेक्स्ट इज बेसिकली जो कॉक होता है दैट इज़ वेरी लाइट इन वेट
एंड इट डज नॉट कैचेस फायर, यानी कि जो हमारे कॉक सेल्स हैं ये काफ़ी लाइट होते हैं वेट में और ये फायर कैच नहीं करते, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी जगहों पे, दैट इज कॉक को काफ़ी जगहों पे यूज किया जाता है एज एन इंसुलेटर और एज ए शॉक एब्जॉर्बर और इन द यूज ऑफ मेकिंग स्पोर्ट्स गुड्स. सो ये था कॉक के बारे में. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट स्टोमेट. बेसिकली स्टोमेटा होता क्या है? एक्चुअली में जो हमारी लीफ होती है उसकी एपिडर्मिस पे सारे के सारे एपिडर्मिस सेल्स में छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. तो यानी कि जो हमारी लीफ होती है उसके एपिडर्मिस पे हमारे पास स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं एंड दीज स्मॉल पोर्स ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा. तो स्टोमेटा क्या होता है? हमारी लीफ के एपिडर्मिस पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. नाउ बेसिकली ईच स्टोमा और स्टोमेटा इज बाउंडेड बाय टू एपिडर्मल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स. एक्चुअली में जो हमारे एपिडर्मस सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लाइक टू कॉन्केव शेप और किडनी शेप. Like this, they are the two epidermis cells or the two kidney-shaped epidermis cells. ये होते हैं guard cells, जिनके बीच में ये जो opening होती है, these are the pores, right? ये stomata pores होते हैं. तो right, each stomata, यानी कि जो ये हमारा stomata है, that is the opening, is bounded by two epidermal cells, which are kidney-shaped. ये हमारे दो epidermal cells हैं, one, two. इनके बीच में क्या होता है? हमारा स्टोमेटा और स्टोमा, राइट. एंड ये जो दोनों एपिडर्मिस सेल्स है इनको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स. आप एक तरीके से देखो, जो हमारा स्टोमा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास दो बॉडी गार्ड है, एक ये वाला एपिडर्मिस सेल और एक ये वाला एपिडर्मिस सेल. तो ये जो दोनों एपिडर्मिस सेल हमारे स्टोमा को प्रोटेक्ट करते हैं, दीज आर कॉल्ड द गार्ड सेल्स. नाउ दीज गार्ड सेल्स कंटेन द क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जो हमारा पूरा एपिडर्मिस सेल्स होते हैं, होल एपिडर्मिस सेल्स जो होते हैं उनमें से सिर्फ जो हमारे गार्ड सेल्स होते हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है एंड द अदर हैव एंड द अदर आर कलरलेस और डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, राइट. तो जो हमारे गार्ड सेल्स होते हैं दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं. सो गार्ड सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट वाइल द अदर एपिडर्मिस सेल्स आर कलरलेस. एंड द लास्ट पॉइंट इज कि बेसिकली ये जो स्टोमेटा होता है या जो ये ओपनिंग्स होती है ऑन द लीफ सरफेस दे अलाउ द गैसियस एक्सचेंज, यानी कि हमारे प्लांट में अगर कोई गैसेस का एक्सचेंज होता है दैट इज थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ. तो स्टोमेटा क्या होता है? दे आर द स्मॉल पोर्स जो हमारे लीफ के एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं. और जो हमारा स्टोमेटा होता है, जो स्टोमा होता है, वो किससे बाउंडेड होता है? बाय टू एपिडर्मिस सेल्स, जो कैसी शेप के होते हैं? किडनी शेप, लाइक दिस. और उनके बीच में क्या होता है? हमारा स्टोमा. और उन दोनों एपिडर्मिस सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड सेल्स. और ये जो गार्ड सेल्स होते हैं सिर्फ इन्हीं के पास क्लोरोप्लास्ट होता है वाइल द अदर एपिडर्मिस सेल्स आर कलरलेस. और ये स्टोमेटा का मेजर फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज. तो ये था स्टोमेटा के बारे में. आज की क्लास में हमने पढ़ा एपिडर्मिस के बारे में, फिर एपिडर्मिस से कॉर्क कैसे बनाया जाता है, कॉर्क के क्या यूजेस वगैरह होते हैं, एंड देन वी स्टडीड अबाउट स्टोमेटा. डू लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस. थैंक यू.